नमस्कार देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कौन बनेगा जी के जीनियस के आज के एपिसोड में। खेल शुरू करने से पहले आपको इस खेल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इस खेल में आपके सामने 10 सवाल आएंगे, हर एक सवाल 10 करोड़ का होगा। हर एक सवाल के सही जवाब देने पर 10 करोड़ प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर आप जीता हुआ सारा हार जाओगे। लेकिन खेल के रूल के अनुसार आपको खेल से निष्कासित नहीं किया जाएगा, आप आगे भी खेल सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का खेल, कौन बनेगा जीके जीनियस। और पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, या डी तिमाही गति के कारण। और आपका समय शुरू होता है अब। ए दैनिक गति के कारण, 100% श्योर, लॉक कर दिया जाए। मोबाइल जी, ये दैनिक गति के कारण को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, वेल डन, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप और आपने जीता है 10 करोड़ भारतीयों का दिल, धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न 20 करोड़ के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, या डी शुक्र। और आपका समय शुरू होता है अब। ए बृहस्पति, 100% श्योर, लॉक कर दिया जाए। मोबाइल जी, ए बृहस्पति पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, वेल डन। और इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही आपने जीता है 20 करोड़ भारतीयों का दिल, धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले मैं इस बृहस्पति के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। जुपिटर प्लैनेट के विशाल आकार की वजह से यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, जिसका व्यास 1,42,000 किलोमीटर है, जबकि हमारी पृथ्वी का सिर्फ 12,600 किलोमीटर है। तुलना करने पर जुपिटर का आकार पृथ्वी से 11 गुना ज़्यादा बड़ा है, इसलिए जुपिटर यह अपना हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न 30 करोड़ के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? और ऑप्शन है ए मंगल, बी शनि, सी बुध, या डी नेपच्यून। और आपका समय शुरू होता है अब। सी बुध, 100% श्योर, लॉक कर दिया जाए। मोबाइल जी, सी बुध पर ताला लगा दीजिए। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, महाशय आपने आप अभी तक बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, अभी तक आपने एक भी गलत जवाब नहीं दिया है। और इस तीसरे प्रश्न के उत्तर के बाद आप जीत चुके हैं 30 करोड़ भारतीयों का दिल, धन्यवाद, वेल डन वेल डन। और दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले इस बुध ग्रह के बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। मर्क्यूरी प्लैनेट, जिसे बुध ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है। बुध ग्रह का व्यास 4,879 किलोमीटर है, जो इसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बनाता है। और यह आकार में पृथ्वी के चंद्रमा के बराबर
सूर्य के सबसे निकटतम होने के कारण मरकरी सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में से दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न 40 करोड़ के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। नीचे दिए गए देशों में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? और ऑप्शन है ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका या डी चीन। और आपका समय शुरू होता है अब। महाशय आराम से खेलिए, आप अपना समय ले सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? सी अमेरिका लॉक कर दिया जाए? एक बार फिर से सोच लीजिए। 100% श्योर लॉक कर दिया जाए? मोबाइल जी, सी अमेरिका पे ताला लगा दीजिए। और बिल्कुल सही जवाब महाशय, आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। और इस चौथे प्रश्न के उत्तर के साथ आप जीत चुके हैं 40 करोड़ भारतीयों का दिल। वेल डन, बहुत खूब महाशय, बहुत खूब। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और पांचवा प्रश्न 50 करोड़ के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से किस शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? और ऑप्शन है ए ओसाका, बी टोकियो, सी नागासाकी या डी याकोहामा। और आपका समय शुरू होता है अब। महाशय आप अभी तक बहुत ही अच्छा खेल चुके हैं और इस खेल में अभी तक आपने जीता है 40 करोड़ भारतीयों का दिल। एक सही जवाब आपको जिता सकता है 50 करोड़ भारतीयों का दिल, और एक गलत जवाब आप तोड़ सकते हैं 40 करोड़ भारतीयों का दिल। आप अपना समय ले सकते हैं, चाहे तो आप किसी भी वक्त इस खेल को छोड़ के जा सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? ए ओसाका, एक बार फिर से सोच लीजिए। लॉक कर दिया जाए? 100% श्योर मोबाइल जी, ए ओसाका को ताला लगा दीजिए। और ये सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब महाशय, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और ये पांचवे प्रश्न के उत्तर के साथ आप जीत चुके हैं 50 करोड़ भारतीयों का दिल। वेल डन महाशय, वेल डन। और जोरदार तालियां हो जाए इन महाशय के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, वेल डन महाशय, वेल डन। दर्शकों, ओसाका जापान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। आबादी के लिहाज से यह जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बहुत ही खूबसूरत शहर है यह, कुछ दिनों तक जापान की राजधानी भी रह चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ओ ओ ओ दर्शकों, हमारे ऊपर समय की पाबंदियां है और समय का भोगो बच चुका है। हमें यह खेल यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन कल अगले एपिसोड में हम फिर से इन महाशय के साथ खेलेंगे। तो देवी और सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं कल। आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।
दर्शकों, अगला एपिसोड जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।